दोस्तों आज एक बहुत दिलचस्प जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं मैं। यूं आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में और शायद आपको पता भी होगा। हिज मास्टर्स वॉइस HMV और ताकत मौसिकी। मशहूर संगीत कंपनी HMV के हिज मास्टर्स वॉइस के इन तीन शब्दों के साथ ग्रामोफोन में मुंह लगाए एक कुत्ते को संगीत सुनते हुए आप सबने जरूर देखा होगा। पर क्या कभी आपने इस नुक्ते पर गौर करने की कोशिश की है कि HMV ने आखिर ये लोगो क्यों बनाया? ऐसा लोगो बनाने का मतलब क्या है? इस सवाल का जब आप जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि HMV के इस लोगो के पीछे का एक बहुत बड़ा मतलब, बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। संगीत सुनते हुए इस कुत्ते की तस्वीर के पीछे छुपी है एक बेहद दिलचस्प कहानी। दरअसल इस तस्वीर में जो कुत्ता आप देख रहे हैं वो अपने ज़माने के मशहूर गायक उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का कुत्ता है। इस कुत्ते और मौसीकी के बीच बेहद दिलचस्प और अजीब रिश्ता है। इस रिश्ते की अजीब दास्तान है। उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब अपने घर में जैसे ही गाने का रियाज शुरू करते ये कुत्ता उनकी आवाज़ की कशिश सुनकर दौड़ा चला आता और जब तक वहां से नहीं हिलता था जब तक उस्ताद गाते रहते। कुत्ते को गाने से ऐसा लगाव हो गया था कि जब ये गाते कुत्ता बेहद खामोशी से सुनता रहता। गाने के अंत तक आते आते कुत्ते की आंखों से आंसू डबडबाने लगते। उस्ताद की गायकी को सुनते हुए इस कुत्ते को अनेक लोग देख चुके थे। इस वजह से उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब के इस कुत्ते की कहानी कूबकू फैलने लगी थी। फैलते फैलते ये दिलचस्प कहानी HMV के मालिकान तक पहुंची। वो लोग भी इस कुत्ते की संगीत में ऐसी दिलचस्पी देखकर हैरान तो हुए लेकिन फिर उन्होंने इस पर प्रैक्टिकल करने का सोचा। HMV वालों ने उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का गाना पिया बिन आवत न चैन का रिकॉर्ड ग्रामोफोन में लगाकर बजाया। जैसे ही गाना शुरू हुआ कुत्ता दौड़कर बाहर से घर आ गया और आते ही ग्रामोफोन में मुंह डालकर तन्मयता से सुनने लगा। फोटोग्राफर कैमरा लेकर बिल्कुल तैयार खड़ा था। उसने इस दिलचस्प मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया और ये फोटो भी बनाया। यही फोटो HMV कंपनी की मशहूर हिज मास्टर्स वॉइस का मशहूर लोगो बना।